बन गया है। चौड़ी छोले भटूरे स्पर्श को खूब प्यार रेडी दिख रहा है, तैयारी कर रहे हैं रेड एकदम ध्यान से, उसी में उसका सुबह से मन से कुछ नहीं तो फिर दोबारा कढ़ाई पर हे गाइज गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज मेरा बर्थडे है, सो आप लोग बहुत सारे अपने विशेष दीजिएगा, अपनी अच्छी अच्छी दुआएं दीजिएगा। टाइम हो रहा है 10:30, 11:15। आज इस पर सुबह स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुका था, मतलब रेडी होने वाला था, नहा धो के नाश्ता करने बैठा था, इतनी देर में बहुत तेज आ गई थी बारिश, फिर ये स्कूल नहीं गया और अभी मौसम एकदम साफ हो गया है तो देख सकते हैं। और आज मैंने ये वेयर की है न्यू कुर्ती, ये देख सकते हो, इसको मैंने अमेजोन से मंगाया, बहुत टाइम बाद ऐसा मैंने स्लीवलेस कुछ ख़रीदा है, तो आज मैं सोची कि चलो आज मैं इसी को वेयर कर लेती हूँ। देखोगी तब तो पता लगेगा, चेक करो। नहीं क्यों कर दिया इसमें क्या लाए, देखोगी तब तो पता लगेगा क्या लाए। स्पर्श तो बोल रहा था कि पनीर रोटी लाए हैं पापा, खाना बना रखे पनीर क्यों लाएंगे, स्पर्श बोला है पनीर, ये तो स्वीट्स होगा, ये तो केक होगा, है ना, ये क्या है, कचौड़ी है, तो खाना तो बन गया है, शाम को खा लेना, शाम को खराब नहीं हो जाएगा, दोपहर में, दोपहर में कचौड़ी है, ये चटनी, देख रहे मेरा फेस कितना ऑयली ऑयली हो गया है, पूरा फेस मेरा ऑयली हो गया है, ये क्या है, ज्यादा नहीं लिए हैं, मात्र 3 पीस लिए हैं, हमको बना दिए तो इतना तो तुम खा ही लेगी, इतना तुम लोगों के जब पेट में कहीं भी जगह रहता है। स्पर्श खा लिया है लेकिन अभी भी खाने की इच्छा है, क्या चेकिंग कर रहा है स्पर्श, सब्जी गरम कर रही हूँ, तो ठंडा खाइएगा नहीं, कंपनी में गरम गरम बना के देती है थी। तुम यहाँ से तो गरम ही बना के, यहाँ से गरम बना के देते हैं, अब उसमें मेरा हाथ है क्या कि मैं आपको दोपहर में जाकर कंपनी में खाना बना के दूंगी, कंपनी में बना के दूंगी, सुबह का बनाया तुम 2 घंटे बाद नहीं खाते हो, फेंक देते हो, सुबह का हम अगर एक रोटी एक्स्ट्रा बच जाएगा तो तुम दोपहर में 2 घंटे बाद नहीं खा पाओ, फिर दोगे ये वो चना दाल की सब्जी है, स्पर्श नहीं खाया, स्पर्श नहीं खाया, अबे छू खाना तुम लोग खा लिए थे तो इसलिए हम पहले ही बोल के गए कि नहीं खाया है, ये सब्जी नहीं खाया है आपके लिए जो ये दे रहे हैं, फेंक दिया ये वाला सब्जी, मांग मांग के और खा लिया है और हे गाइस, तो ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अमेजोन हॉल, और अमेजोन हॉल में इस वाले हॉल में मैं आपके साथ डिफरेंट चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, मतलब ये फैशन से रिलेटेड ये अमेजोन हॉल होने नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने 3 अमेजोन हॉल आपके साथ शेयर किए हैं वो फैशन से रिलेटेड था, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने ब्यूटी से रिलेटेड, मैं क्या क्या चीज़ें अपने ब्यूटी प्रोडक्ट मंगाई हूँ और क्या मैं यूज़ करती हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना डेली यूज़ में आप कौन सा क्रीम क्या यूज़ करते हो, कौन सी लिपस्टिक का शेड लगाए हो, तो आज कुछ लिपस्टिक के शेड भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड दोस्तों अमेजोन पे अभी सेल चल रहा है 20 और 21 जुलाई को, बहुत भारी सेल चल रहा है, तो यहाँ पे आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं, जो चीज़ें आप हाई रेट पे भी लेते थे ना यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, वो भी आपको मिलने वाला है 50-80% तक का डिस्काउंट, 1500 प्लस टॉप ब्रांड्स पे, सेम डिलीवरी भी मिल जाएगी एंड 4 लाख प्लस स्टाइल पे, तो आप लोग शॉपिंग करना मत भूलिए, जो भी शॉपिंग करनी है फटाफट आप लोग शॉपिंग कर लो, जो भी कार्ट में ऐड किए हो या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको 10 दिन बाद शॉपिंग करनी है तो वो इस टाइम पे आप कर लोगे तो आपका ही फायदा है, क्योंकि आपको भारी डिस्काउंट मिलने वाला है। चलिए अपना प्रोडक्ट मैं शेयर करती हूँ, मैं क्या क्या मंगाई हूँ, सबसे पहला प्रोडक्ट एंड हाँ मैं कुछ क्या हूँ,
तो सबसे फर्स्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, यहाँ पे मैंने मंगाया है मामा अर्थ का उपटन फेस वॉश, जो कि आप लोग मेरे वीडियो में देखते होंगे। इससे पहले मैंने क्लियर का फेस वॉश मैंने यूज़ किया था, बट अभी फ़िलहाल मैंने ये अभी पूरा पैक ही आया है। तो ये मेरा ना 3 मंथ्स चलता है अभी, इसमें का पहले का भी मेरा है तो उसमें थोड़ा सा है, बट अभी मेरे को लगा कि इस टाइम पर मंगा लेती हूँ वो ख़त्म होने से पहले पहले, तो मैंने ये मंगा लिया। देख सकती है मामा अर्थ का ये है उपटन फेस वॉश विथ टर्मरिक एंड सेफ्रॉन के साथ आता है फॉर टैन रिमूवर। अगर आपके फेस पर टैन वगैरह हो जाता है, टैनिंग हो जाती है धूप की वजह से, तो उस टाइम पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड सबके बाय लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, सारे प्रोडक्ट के लिंक रहेंगे। तो इसको मैं ओपन तो कर रही हूँ बट ओपन नहीं हो रहा, ये प्लास्टिक का ना ये पूरा लगा हुआ है ऊपर साइड में। और उसके बाद दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शुगर पॉप का, मैंने आईलाइनर मंगाया है। शुगर पॉप का आईलाइनर मैंने पहले यूज़ नहीं किया है, मैं लैक्मी का या फिर इलेटिन का मैंने यूज़ किया है, बट ये शुगर पॉप का फर्स्ट टाइम, क्योंकि शुगर पॉप का मैंने ऑफलाइन भी लिपस्टिक अपना लिया था तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और इतना ज़्यादा अच्छा है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो इसलिए मैंने आईलाइनर भी लिया है, और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी मुझे नहीं मिला, आई थिंक 219 प्राइस है, बट मुझे 100 समथिंग कुछ मिला। आप लोग ना लिंक पे इस टाइम पे तो और भी जितनी प्राइस में मैंने लिया है ना उससे कम प्राइस में आपको मिल जाएंगी प्रोडक्ट जो भी चीज़ें आप लेते हो। तो ये आईलाइनर को भी मैंने ओपन नहीं किया है, जब वो मेरा ख़त्म हो जाएगा तब मैं ओपन करूँगी इसको, लेकिन हाँ वो अभी सूखने वाला है। कई बार आईलाइनर ऐसा होता है ना कि यूज़ करते करते सूख जाता है, ख़त्म नहीं होता है, तो वो भी है मेरे साथ। और उसके बाद दोस्तों ये देख सकते हो शुगर पॉप का, इसमें आपको 2-3 वैरायटी टाइप के मिल जाएंगे, कलर भी मिल जाएंगे, बट मैं ब्लैक कलर आईलाइनर का यूज़ करती हूँ, अभी भी मैंने फिलहाल ब्लैक कलर ही लगाया है आईलाइनर का। उसके बाद थर्ड जो प्रोडक्ट है ये मैंने लैक्मे का परफेक्ट रेडियंस डे क्रीम खरीदा है, लैक्मे एब्सोल्यूट परफेक्ट रेडियंस डे क्रीम। इसका आउटर पैकेजिंग है ना थोड़ा सा डैमेज टाइप का आया है, मतलब इस तरीके से इसका कार्डबोर्ड का जो पैकेजिंग है, बट अंदर से ये प्रोडक्ट काफ़ी सही है। तो चलिए ओपन करते हैं, और ये मैं डेली यूज़ में यूज़ करती हूँ, मतलब डेली यूज़ में ज़्यादा मैं क्रीम अब नहीं यूज़ करती हूँ, हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन यूज़ करती हूँ, 3 दिन ऐसे ही बिना मैं क्रीम के रहती हूँ, कुछ नहीं लगाती हूँ फेस पे। अगर वीडियो शूट करना होता है तब ये मैं क्रीम लगा लेती हूँ, तो नहीं। और मतलब अंदर से तो मतलब ऐसे ही आया है, ऊपर से तो आप थोड़ा सा डैमेज देख सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट बहुत सही सलामत मेरे तक पहुँचा है, और इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है। और इसको मैं यूज़ कर रही हूँ 7 साल से, इस वाले प्रोडक्ट को 7 से 8 साल हो गए मेरे को यूज़ करते हुए। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये लैक्मे का एब्सोल्यूट परफेक्ट डे क्रीम। इसका नाइट क्रीम भी आता है और लाइट क्रीम भी आता है, जिसको नाइट क्रीम की ज़रूरत है वो ले सकते हो, बट मैं डे क्रीम मैंने एक बार ख़रीदा था, बट मैं डे क्रीम हमेशा ही लेती हूँ, 3 मंथ्स पर मेरे को लेना पड़ता है। तो चलिए इसको मैं रख देती हूँ, और क्योंकि मेरा जो ये क्रीम था ना वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, बस कल भर का है, उसके बाद नहीं है उसमें। उसके बाद दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शुगर पॉप का ही मैंने लिपस्टिक मंगाया है, ये शेड नंबर 279 का है ये, लेकिन मुझे थोड़ा डिस्काउंट में पड़ा है, और ये लिक्विड सुपर मैट लिपस्टिक है। इसका शेड मैं आपको शुगर पॉप का मैट लिप कलर सुपर मैट ही है, चलिए इसको शेड इसका अंदर लिखा हुआ होगा वो मैं आपको दिखाती हूँ, क्या शेड है, चिल्ली है इसका, इसका जो शेड है ये चिल्ली है। और प्राइस मुझे थोड़ा सा कम में मिला है, मुझे 200 से ऊपर का नहीं मिला है, 150 के आसपास मिला है, और क्योंकि शुगर के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं। मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाती हूँ, एकदम चिली रेड है, बहुत ही खूबसूरत सा रेड है देख सकते हो, और मुझे रेड कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, खास करके लिपस्टिक का। अभी मैंने जो लिप कलर लगाई ये मैंने ऑफलाइन लिया था, ये भी मैट मैंने सुपर मैट लिया, ये भी ट्रांसफ़र बिल्कुल नहीं हो रहा है, ये भी ड्राई हो जाएगा तो ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये रेड कलर देखो, अगर आपको लिपस्टिक लेनी है तो ये वाला रेड कलर ज़रूर लेना, एकदम चिली रेड है। मैं ज़्यादा वैसे लगा के आप लोग को नहीं दिखाई हूँ, बट आप लोग को कैमरा में पता चल रहा होगा, ये मैंने जो लिप्स पर लगाया है रेड कलर और इसमें बहुत डिफरेंस है, तो ये वाला तो बहुत अच्छा है। और इसके आपको और भी कलर लेने हो तो और भी कलर आप लोग ले सकते हो। उससे पहले मैंने रैनी का यूज़ करती थी, मैंने अमेजोन से भी रैनी की लिपस्टिक मंगाई है, बट मैं इस बार सोची कि चलो ब्रांड चेंज करके देखती हूँ कैसा लगता है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे यूज़ आपको दिखाने वाली हूँ मामा अर्थ का लिपस्टिक, और मामा अर्थ के लिपस्टिक अच्छे होते हैं, देखो लिप्स को बहुत सही रखते हैं, लेकिन मेरे साथ ये लगता है ना, मुझे थोड़ा सा लगता है जो मेरा है वो मैं बता रही हूँ, ट्रांसफ़र प्रूफ होते हैं। जैसे और भी मैट लिपस्टिक आते हैं तो लॉन्ग लास्टिंग वाले, तो वो देखो इस पर भी मैट लिखा हुआ है बट ये ट्रांसफ़र होता है, और भी मैंने इस टाइप की मैट लिपस्टिक जो खरीदी वो ट्रांसफ़र नहीं होता है, ड्राई हो जाता है ना तो सही रहता है, लेकिन ये वाला ट्रांसफ़र होता है। मैं कलर आपको इसका दिखा देती हूँ, ये थोड़ा सा रानी टाइप का कलर है,
रानी पिंक टाइप का कलर है, ये देख रहे हो ये वाला कलर है। ये भी कलर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और इसकी प्राइस जो है 300 के आसपास है, बट आपको कम में मिल जाएगा। और ममर्थ के प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे होते हैं, मेड सेफ होते हैं, इसके साथ एक ये इंडियन ब्रांड है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, मेरे प्रोडक्ट कैसे लगे, अगर आपको कुछ भी परचेज करना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए ब्लॉग की तरफ चलते हैं। नंबर बना रहा है स्पर्स, कौन लगाया है तुम्हारे चेयर चेयर बोलो, डिस्टर्ब मत करो। अच्छा डिस्टर्ब मत करो। हम लोग लंच कर रहे हैं 3:30 बजे, छोले भटूरे, कचौड़ी, छोले आलू की सब्जी है। ये है हमारा आज का लंच, कचौड़ी, छोले भटूरे, आलू की सब्जी, और ये बाहर का है सारा, बच्चे घर पे नहीं बना हुआ। बड़ा अच्छा सोफा लाई है जी, कहाँ से लाई? सोफा नहीं लाई, कवर। कवर दिखाई थी सबको ना, कहाँ से दुकान नहीं बताई थी, घर के पास से ही खरीद के। दुकान दिखाई थी, दुकान नहीं दिखाई थी, घर के पास से ही खरीद के लाई। टाइम कर रहा है ना? हाँ ज्यादा कर दी का तो फोन पे लग रहा है, ज्यादा काम कर रहा है, लोगों को ज़्यादा रिप्लाई मैसेज का कर दिए, थक गई। बर्थडे का ज़्यादा रिप्लाई कर दिए, इधर यूट्यूब पे पोस्टिंग नहीं डाल रही हूँ कि आज मेरा बर्थडे। क्या बोल रही है? बोल रही हूँ अभी नया है तो अच्छा ही बोलूँगी, थोड़ा पुराना हो जाएगा तब बोलूँगी कि अच्छा नहीं लग रहा है, तभी तो खरीदाएगा। बोलूँगी अच्छा नहीं लग रहा है तभी तो दूसरा खरीदाएगा। नहीं है, ये जो है वही काम चला चला। तभी तो चलाती हूँ, बोलती हूँ बेड को ठीक करवा दीजिए तो कहते हैं नहीं जो है काम चला, तो चलाती हूँ ना। मामा जी स्पर्श को खूब प्यार मिलता है, खूब प्यार मिलता है स्पर्श को, खूब किशु मिलता है मम्मा से भी पापा से भी। अड़ी बड़ी कर दो ना, खरीद के लाए हैं सरप्राइज दिए हैं, खरीद के लाए हैं सरप्राइज दिए हैं बैलून का मुझे, ना बर्थडे में सरप्राइज, ना एनिवर्सरी में सरप्राइज, और बैलून का सरप्राइज दे रहे हैं। बोलिए तो, बोलिए क्या, जब इतना है तो फिर खरीद के लाने की जरूरत क्या है? पिंक नहीं हुआ है, नहीं बोल रहे थे ना कि बैलून रेड है, रेड और वाइट लगा लो, तो मैं बोली मुझे पिंक चाहिए, मेरा ड्रेस पिंक है, तो बोले ना कि रेड खुलाओगी ना तो पिंक हो जाएगा, तो ये पिंक तो नहीं हुआ अभी तक, रेड ही दिख रहा है। अब बोल रहे हैं लाइट जला दूंगा तो ये पिंक हो जाएगा, कौन सा लाइट जलाएगा जो रेड पिंक कर देता है? कैमरा में थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। अच्छा और चलाक है, चलाक क्या है? चलाक रहते, चलाकी करते रहते हैं मेरे से, जान मैं से चलाकी करते रहते हैं हमेशा। मेरे बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं, रेड बैलून को पिंक करने वाले हैं आज लाइट से। रेड बैलून मैं भी पिंक होगा स्पर्श। स्पर्श क्या पहन रहा है जी? अरे वो मामा का माला है मंगलसूत्र, तो यार तुम क्यों पहन रहे हो मंगलसूत्र? ये क्या लिखा है जी पैर पे, क्या लिखा है? मच्छर कट्टा। मच्छर नहीं, वो पैर पे क्या लिखा है? पीपल। हाँ पीपल, पीपल लिखा है, पीपल मतलब क्या था? पीपल लिखा होगा। हे गाइस, तो अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैंने ये ड्रेस डाला है, ड्रेस मैं पूरा दिखाती हूँ, मेकअप भी मैंने किया है,
बीबी क्रीम से मैंने मेकअप किया है और ये वाइट कलर का इयर रिंग्स भी बहुत पहले का है। ये एक्चुअली इस बार मैं आई ना घर से डायरेक्ट, तो उसके बाद फिर मैं शॉपिंग नहीं की थी अपने लिए ड्रेस का। ये ड्रेस पहले से मैं ख़रीद के रखी थी, ये वाला पिंक कलर का। हनी ये भी रेडी हो चुके हैं, स्मार्ट लग रहा है हनी आप तो। अच्छा हाँ, आप तो स्मार्ट हैं, तो आपको बोलने की क्या जरूरत है। खाना ऑर्डर कर दे, नहीं तो फिर अभी और स्पोर्ट्स इधर एकदम खुश है कि केक कटेगा, एकदम हीरो बन बन के बैठा हुआ है। देखना स्पोर्ट्स हीरो बना है, हीरो बना कैसे, हीरो बना है स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स कैसे हीरो बना है। पनीर मसाला मंगाया, पनीर चिली, पनीर मसाला गए हैं स्पोर्ट्स के लिए। रोटी क्या खाओगे स्पोर्ट्स? रोटी पनीर, पनीर खाओगे स्पोर्ट्स के लिए। एकदम ध्यान से, उसी में उसका सुबह से दिमाग था कि कब पापा ऑर्डर करेंगे और ये खाएंगे, क्योंकि दोपहर में बट खाया है छोले भटूरे और कचौड़ी पता नहीं क्या क्या, तभी भी अभी इसके स्माइल देखिए। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम विधि। मेरा नाम विधान है। तुम्हें क्या? यही तो विधि का विधान है। अभी केक कटिंग हो चुका है, स्पर्श केक खाने में लगा हुआ है, हम दोनों फ़ोटो क्लिक कर ले रहे हैं दो चार, और उसके बाद फिर स्पर्श के साथ भी फ़ोटो हम लोगों ने क्लिक कर लिया है। और अब खाना खा, आज का डिनर राइस घर पे ही बने, राइस घर पे बना लिया, सब भी दोबारा मंगाना पड़ा है हमें राइस। ये सब्जी ठीक मिला है, पहले वाला सब्जी आप लोगों को दिखाती हूँ, शक्ल सूरत देख के हमने दूसरी सब्जी ऑर्डर कर ली है। उसका वाइट वाइट सब्जी कौन खाता है? कोई नहीं खाता है, इसीलिए फिर दूसरी सब्जी। इससे अच्छा हम लोग ना पता है रेस्टोरेंट जाके खा के चले आए होते लो, जितना पैसे में हम लोग मंगाए हैं डबल डबल। ये देखो शाही पनीर है, ये नहीं खाएगा मुझे पता है, दही है सुखा। रोटी ये रोटी। वो नहीं हुआ है, सॉफ्ट है एकदम से। तो गाइस अभी हमारा डिनर का टाइम हो गया है, मेरे बर्थडे का डिनर। और जैसा कि मैं बताई थी ना, वाइट कलर की सब्जी आ गई है, शाही पनीर की शक्ल सूरत देखिए, वाइट कलर का स्पर्स बोल रहा दही है इसको, और ये भी ये जब देखे ना तो ये मुंह बना लिए हैं, तो फिर दोबारा कढ़ाई पनीर ऑर्डर किए हैं। तो कढ़ाई पनीर ये है, शाही पनीर है, और राइस मैं घर पे बना दी थी जीरा राइस, ये वो है क्या तंदूरी है ना, तंदूरी रोटी है। और यहाँ पर मेरा और इनका केक रखा हुआ है, स्पर्स अपना केक साफा चट कर गया और वो खाने में भी बिजी है। तो ये हमारा आज का डिनर है, मेरा बर्थडे का केक कट चुका है, डिनर करेंगे उसके बाद फोटो वगैरह क्लिक करेंगे, क्योंकि रात के 10 बज गए हैं ना। कितना टाइम हो रहा है? 10 बजे को दरवाजा खुला हुआ है, एसी अभी वो पानी गर्म है।